हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग जो चेंज आया है हमारे ट्रीटमेंट से वो बता रहा हूँ। ये केस है किडनी फेलियर का। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये रिपोर्ट देखिए, ये रिपोर्ट देखते हैं तो इट इज बायलैटरल किडनी डैमेज। तो सोनरा भी बता रहा है कि बायलैटरल रीनल पैरेन्काइमल डैमेज, मतलब दोनों किडनीज डैमेज हो चुकी है और दोनों किडनी श्रिंक हो रही है। तो दोनों किडनीज में डैमेज आ गया, श्रिंक हो रही है, क्रिएटिनिन ज्यादा है 2.5 क्रिएटिनिन, यूरिया भी 70 क्रॉस हो गया था, कितना था हाईएस्ट? 73 वाज हाईएस्ट यूरिया। एंड किडनी फेलियर डायग्नोसिस हो चुका था, बहुत कुछ कर लिया, बाकी कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा था। वी स्टार्टेड ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के बाद हम मेडिसिन के अलावा काफी चीजें करते हैं। सबसे पहले आपको मुबारकबाद कि आपने ये सारा फॉलो किया सिस्टम। कैसे लगा ट्रीटमेंट चालू करने में, चेंजेस क्या क्या है बताइए? सब बीमारियां मतलब सबसे पहले आपने बताया था मुझे, मेरे सामने यहाँ पर आपको बाहर लूज मोशन हो रहे थे, फीवर, वोमिटिंग, घबराहट होती थी, धड़कने तेज बढ़ती थी और नींद नहीं आती थी, वीकनेस बहुत ज्यादा था, राइट? तो वो सब कितने दिन में कम होना शुरू हो गया? एक महीने के अंदर सब कम हो गया। अब बाकी सब कम होने लगा, लेकिन पेशेंट को तो फिर भी लगता है ना, रिपोर्ट में चेंज आएगा तो मजा ही नहीं आएगा। तो उसके बाद रिपोर्ट किया नेक्स्ट मंथ, तो फर्स्ट मंथ से ही रिपोर्ट कम होना शुरू हो गया ना आपका? फर्स्ट मंथ से रिपोर्ट कम होना शुरू हो गया। यस, 2.5 से 2.0 हुआ। तो 2.5 से 2.0 हुआ, फिर 1.9, उसके बाद 1.54, 1.50, अभी 1.545। तो क्रिएटिनिन कम हो गया, लेकिन अब इन्होंने डॉक्टर को दिखाया, नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाया, वो विश्वास नहीं कर रहे। उन्होंने तो चैलेंज दिया, ऐसा बोले हो ही नहीं सकता, रिपोर्ट्स गलत है, सब ये हो गया। उसको उनको दिखाया कि वो रिपोर्ट एकदम स्टैंडर्ड लैब का था, जहां से पहले कराया था वही से था, तो बिलीव ही नहीं हो रहा था उनको कि ऐसा किडनी का इंप्रूवमेंट आ सकता है। और किडनी का रिपोर्ट था आपका स्टेज 2 किडनी फेलियर, राइट? सो ऑलरेडी सेकंड स्टेज किडनी फेलियर क्रॉस हो चुका था एंड ये रिपोर्ट है। अब मैं आपको गुड न्यूज देता हूँ, आज का रिपोर्ट। हाँ, मैं उसके पहले, मैंने हैदराबाद में सेमिनार लिया तो उस समय डिस्कशन होता कि हमारे नेफ्रोलॉजिस्ट बोल रहे हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। एंड पेशेंट तो खुश थे एकदम, उनको सारी तकलीफें खत्म हो गई थी उस समय, राइट? अभी बॉडी को भी बीमारी लग रही है आपको, कोई बीमारी नहीं, कोई वीकनेस नहीं, कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं, सारे के सारे प्रॉब्लम्स कंप्लीटली क्योर्ड लेवल पर है। डॉक्टर्स ऑब्वियसली आश्चर्य करेंगे, लेकिन हम और इंतजार कर रहे थे एक और रिपोर्ट का, पता है कौन सी? अब ये जो रिपोर्ट है किडनी फेल का रिपोर्ट है, किडनी छोटी हो गई है और दोनों किडनी में डैमेज है, इसमें बदलाव चाहिए था। इसके बाद एक और टेस्ट की, ये टेस्ट, ये रिपोर्ट है, इसमें भी सेम दिखाया कि किडनी सेकंड स्टेज फेलियर है, ग्रेड 2 पैरेन्काइमल डिजीज, ये चेंज नहीं हो रहा था। तो ऑब्वियसली अब ये लोग तो पूरे विश्वास से करने वाले हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग विश्वास वाले होते हैं, डाउट वाले होते हैं। आप भी जितने लोग मैक्सिमम देख रहे हैं उसमें से कहीं ऐसा होता है कि आप भी डाउट वाले, ज्यादा लोग डाउट वाले, राइट? तो चलिए आपके लिए न्यूज है, ये लेटेस्ट सोनोग्राफी रिपोर्ट है। सो गुड न्यूज कि लेटेस्ट रिपोर्ट में किडनी का साइज भी बड़ा हो चुका है, नॉर्मल साइज का हो चुका है, किडनी फेलियर के सारे साइन सोनोग्राफी में से खत्म हो चुके हैं, रिपोर्ट्स भी पूरी तरह नॉर्मल है, यूरिया इज 34, क्रिएटिनिन इज 1.45। प्रैक्टिकली स्पीकिंग इनके हेल्थ हाइट के हिसाब से 1.545 इज ओके, नॉर्मल, कंप्लीटली नॉर्मल, और ये रिपोर्ट के हिसाब से उनको किडनी की कोई बीमारी नहीं है। नाउ दिस इज पॉसिबल अगर आप ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं और इलाज सही रूप से लेते हैं। अभी आपने जो बात बोली सबसे सही बात है कि इलाज को सही रूप से फॉलो करने वाला चाहिए, राइट? आपका इलाज को पूरा फॉलो कर दिया, फॉलो किया पूरा, तो रिजल्ट किसी बीमारी में आता है। अभी एक फोर्थ स्टेज कैंसर पेशेंट ने ज्वाइन किया, सो ये रोज करते हैं हम इस तरह के पेशेंट्स, तो जिसने फॉलो किया उसको रिजल्ट मिलता ही मिलता है। तो अगर आपके आपके मन में कोई डाउट है, डाउट को हटाइए, ये सिस्टम काम करता है। अब ये सवाल ये है, इस सिस्टम के हिसाब से आप काम करने के लिए रेडी है या नहीं है।
आप रेडी है तो देन वी हैव अ सॉल्यूशन फॉर योर एवरी हेल्थ प्रॉब्लम. अगर आपके मन में डाउट है, आपको फॉलो ही नहीं करना है, सो प्लीज ज्वाइन मत कीजिए अगर फॉलो नहीं करना है तो, बिकॉज रिजल्ट मिलना डिफिकल्ट हो सकता है. राइट, सो किडनी फेलियर, दिस इज अ क्योर्ड केस ऑफ किडनी फेलियर एंड दिस इज पॉसिबल इवन टिल द स्टेज थ्री. स्टेज फोर के बाद फिर थोड़ा सा मुश्किल होता है पूरा का पूरा नॉर्मल रिवर्स करना, बट स्टेज थ्री तक कंप्लीटली क्योर इज पॉसिबल. राइट, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, किडनी फेलियर के ग्रुप्स में डालिए ताकि लोगों को एक उम्मीद की किरण दिखे, पूरा ठीक हुआ जा सकता है. इतना पता भी चल गया ना, उनकी लाइफ में आपके कारण एक अच्छा बदलाव आएगा. तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए. थैंक यू.